तमाशा देखने आई। देख कैसी लगती है दुल्हन, जिसका दूल्हा उसे छोड़कर भाग जाता है, थूक कर चला जाता है उस पे। ये देखने आई है ना? हाँ, यदि मानो तो तुम अपने चचा के नाम पर कर दो कागज। कंपनी का टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। वो फाइल गई कहाँ? मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया। अगर कल तक वो कागजात एनी ने मुझे लाकर नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाली किस्त से तुसी देखोगे कि हबीब एनी दे उत्ते बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ते उद को फाइल दा मुतालबा करता है। आखिर ते हबीब एक बारी फिर आमने सामने आ जाते हैं। जो हबीब एनी नू डरा धमका के फाइल हासिल नहीं कर सकया ते ओ आयशा नू आके कहिंदा है कि एनी नू कह के कल तक मैनू वह फाइल लिया के दवे, अगर एनी ने मैनू फाइल ना लिया के दी तो मैं तेनू तलाक दे देवांगा। इधर रहीला इस मौके तो भरपूर फायदा चुकन दी है ते ओ मसलसल हबीब दे कान भरन दी है ओदे खानदान दे खिलाफ। इधर हबीब दी माँ एक दफ़ा उन फिर समझान दी कोशिश करती है कि ओ एनी और फाखर दे नाल अपने रवैये नू दुरुस्त कर ले। हबीब तो सिर्फ ओही देखना चाह रहा है जो रहीला उन्हों दिखा रही है। रहीला इस दफ़ा तो अपने मनसूबे दे विच कामयाब नहीं हो सकी ते उन्हें हुण पैंतरा बदल ले। वह चाह बना के सस्ते कमरे च आती है तो उन्हें कहती है कि मैनू तेरे नाल जरूरी गल करनी है। रहीला अपनी सस नूं कहती है कि मैं भी इस खानदान का एक फर्द है तो तू सारे फैसले कली कली लै लैनी है, मैनू किसी भी फैसले दे विच शामिल नहीं करती। ड्रामे च फहमी बहुत ही अच्छी माँ दिखाई गई है तो उन फौरन ही पता चल गया है कि उसकी बेटी गलत रस्ते से चल निकली है। इस ड्रामे च फहमी तो अमन एक बहुत वड्डा सबक ने साडे सब वास्ते। फहमी ने अखा बंद नहीं कीतियां तो वह अमन नू सही तरीके ना सही रस्ते ते लेके आ रही है। इधर एनी फाखर दी मदद दा शुक्रिया अदा करती है तो बहुत खुश है कि उहदा शोहर उहदे बाप वांगू हर जगह दे उत्ते उहदी इंसल्ट नहीं करेगा। नाज़रीन आने वाली किस्तां च तुसी देखोगे कि फाखर ते एनी दा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन एनी नू इह वी लगदा है कि रिश्ता मजबूत होने के बावजूद भी फाखर आमना नू नहीं भुला सकेगा। नाज़रीन थानू मेरा पंजाबी रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, मेरी वीडियो में लाइक करो तो जाते जाते घंटी का बटन जरूर दबियो ताकि हर नवी वीडियो तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।